तर दुरीता यद् परसुभ यद्रम तुभ ओ शांति 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 ओम हमारा यह जीवन इतना सुंदर हो कि हमको जीने में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो और यह जीवन नव चेतना से भरा हुआ हो नव चेतना नव उमंग आनंद हमेशा हमारे जीवन को दिव्य बनाता है और यही जीवन है जैसे कि हर एक कली खिली हुई रहती है अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखती है कहीं कोई कुरूपता नहीं दिखती हम किसी सूखी घास को भी देखते हैं तो वो कुरूप नहीं लगती बादल कितने अलग अलग डिजाइन के हम देखते हैं आकाश में लेकिन ये नहीं कह सकते ये बादल सुंदर है और ये बादल सुंदर नहीं है हर बादल अपने आप में सुंदर है हर घास अपने आप में सुंदर है हर पत्ती अपने आप में सुंदर है हम जंगल में चले जाएं, जंगल में तो कोई डिजाइन नहीं मिलता कोई पेड़ कहीं लगाए कोई पेड़ कहीं लगाए कोई पौधा कहीं लगा है कोई घास कहीं उगी है लेकिन जंगल में जब व्यक्ति घूमता है तो उसे एक अलग आनंद की अलग शांति की अनुभूति होती है और ये किसी गार्डन में नहीं होती गार्डन में तो हम हर पेड़ को लाइन से लगा सकते हैं कि आम के पेड़ लगे हैं आम की बाग है तो आम के ही पेड़ एक लाइन से लगे हैं और जब देखते हैं हम पॉपुलर के पेड़ तो वो भी एक लाइन से लगे होते हैं हम देखते हैं कि गुलाब की बगिया में गुलाब के फूल एक जैसे लगे हैं और उनको कैसे माली ट्रिम करता है पेड़ को कैसे एक अलग अलग आकार दे देता है कभी हाथी का आकार दे देता है कहीं दे दे खरगोश का आकार दे देता है अलग अलग आकार कि देखने में सुंदर लगे यहां घूमने जो आए उनको अच्छा लगे लेकिन फिर भी व्यक्ति जंगलों में जाते हैं घूमने के लिए प्राकृतिक सुंदरता उनको मिलती है ट्रैकिंग करने में हिमालय में जाते हैं कि जहां कोई एक डिजाइन एक प्री प्लान्ड डिजाइन नहीं कुछ भी कहीं भी उगा हुआ है लेकिन है पूरा प्राकृतिक जो शांति जो मौन और जो आनंद जंगल में मिलता है प्रकृति की गोद में मिलता है वो किसी गार्डन में नहीं मिलता ये सब की अनुभूति है इस प्रकृति में कुछ भी बदसूरत नहीं सब खूबसूरत है और जो आत्मा को खूबसूरत लगता है यह भी एक बात देखने की है कि खूबसूरता बाहर नहीं है खूबसूरत खूबसूरती है देखने वालों की आंखों में इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है हर माँ को अपना बच्चा बहुत खूबसूरत लगता है चाहे वो भले ही कैसा भी हो किसी भी कलर का हो किसी भी नैन नक्श उसके कैसे भी हो लेकिन अपने अपनी माँ को वो बहुत सबसे प्यारा लगता है सबसे प्यारा ऐसे तो फैशन कॉन्टेस्ट होते रहते हैं उसमें किसी को अच्छा बता देते हैं बाकी को सेकेंड थर्ड कोई लास्ट में भी आता है पर मां से पूछे क्या ये लास्ट में तो नहीं अब उसमें पैमाने अलग होते हैं देखने के कि कौन ज्यादा खूबसूरत है कौन कम खूबसूरत है लेकिन खूबसूरती तो हृदय से आकी जाती है किसी पैमाने से नहीं खूबसूरती तो आत्मा की होती है और जो व्यक्ति खूबसूरत है अंदर से सुंदर है उसका हृदय उसको ये पूरा जहान सुंदर लगेगा जिसके अंदर मोह है तो जिससे मोह है वो चीज सुंदर लगेगी जिससे मोह नहीं है वो चीज सुंदर नहीं लगेगी किसी को किसी चीज से मोह है किसी को धन से तो धन धनी अच्छा लगता है किसी को गाड़ियों से तो उसे गाड़ी अच्छी लगती है परंतु असली सुंदरता तो प्राकृतिक होती है सादगी में होती है उसे किसी ढांचे में ढाला नहीं जा सकता और सुंदरता को किसी पैमाने में मेजर नहीं नापा नहीं जा सकता कि यह नाप दिया जाए कि जि, जिसकी नाक इतनी सेंटीमीटर की होगी वही सुंदर होगा तो सुंदरता बिगाड़ दी जाएगी जिसके दांत इतने सेंटीमीटर का जिसका माथा इतने सेंटीमीटर का जिसकी आंख इस कलर की और इतने सेंटीमीटर की हो वही सुंदर होगा तो इससे तो विकृति आती है सुंदरता नहीं और फिर सारी दुनिया उसी को फॉलो करने लगती है तो वो अपने आप को सुंदर नहीं बनाते जैसे कि कई देखा जाता है कि चीन जापान में उनकी अपनी सुंदरता है लेकिन अगर वो चाहे कि हमारी नाक थोड़ा और उठी हो हमारी आंखें थोड़ा और खुली हो वही सुंदरता है यूरोप की अगर वो नकल करेंगे प्लास्टिक सर्जरी आजकल कराते हैं बोटॉक्स से सर्जरी कराते हैं और वो सर्जरी करा करा के व्यक्ति अपना जो प्राकृतिक सुंदरता है वो खो देता है और हंसी का पात्र बनता है और उससे बहुत सारे रोग होते हैं वो अंदर से खुश नहीं हो पाएगा वो बाहर दिखाने के लिए कि मैं दूसरों को सुंदर लगूं और दूसरों को नहीं लगेगा तो उसे खुद भी नहीं लगेगा और हमेशा वो दूसरों की आंखों में देखेगा कि मैं सुंदर दिख रहा हूं कि नहीं इसकी आंखों में ये क्या सोच रहा है बहुत ज्यादा बहिर्मुखता से सुंदरता खो जाती है आनंद खो जाता है अपने आप से एकता खो जाती है इसी में यदि सब लग जाएंगे यही सुंदरता है जबकि असली सुंदरता है प्रसन्नता में आनंद में उत्साह में जो व्यक्ति प्रसन्न है जो व्यक्ति उत्साह में है जो व्यक्ति स्वस्थ है जो आनंद में है जो ज्ञान में है जो चरित्र में है वो सबको सुंदर लगता है पूरी धरती में सबको सुंदर लगता है हमारे संत हमारे ऋषि हमारे महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज सबको सुंदर लगते हैं कोई मेकअप नहीं बाल जहां भी जाए बस चेहरे पर बहुत प्रसन्नता है लाइट है फ्लेस फेस में नेचुरल ग्लो है एक नेचुरल खुशी है अपने आपे में है अपने ज्ञान में है अपने चरित्र में अपने शील में है अपने संयम में है जो चीज अपने ढांचे में रहेगी अपनी वास्तविकता में रहेगी अपनी प्रकृति में रहेगी नेचुरल रहेगी वो स्वस्थ रहेगी आम नेचुरल रहेगा उसमें नेचुरल मिठास तो सही रहेगा नहीं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आम देखने को मिलते हैं एकदम शेप में एकदम पीले लाल लेकिन खाएं तो फीकापन क्योंकि वो हाइब्रिड में बाहर से शेप तो दे सकते हैं अंदर से पौष्टिकता और मिठास प्राकृतिकपन वो नहीं लाया जा सकता मूली को और बड़ा बनाया जा सकता है गाय को और मोटा और हृष्ट पुष्ट और दूध देने वाला बनाया जा सकता है लेकिन जो देसी गाय का सौंदर्य है जो देसी फल का सौंदर्य है जो देसी अन्न का सौंदर्य है वो फिर हाइब्रिड में नहीं आता वो फिर थोपने में नहीं आता इसीलिए बच्चे कितने सुंदर लगते हैं हो कोई मेकअप नहीं करते लेकिन यदि सुंदरता केवल दिखाने के लिए होती है तो व्यक्ति अंदर से फील नहीं करता उसको आनंद में नहीं रहता प्रसन्नता में नहीं रहता और जो व्यक्ति प्रसन्नता में नहीं है आनंद में नहीं है वो सुंदर नहीं हो सकता उससे उस वो किसी को भी सुंदर नहीं लगता लाश किसी को सुंदर लग सकती है क्या भले ही कितनी भी कैसे भी नयन नक्श की हो कैसे भी उसकी फेस कटिंग हो ना सुंदरता तो आत्मा में है और ये सारा जो हमें स्थूल संसार दिख रहा है व्यक्ति दिख रहा है वो आत्मा का ही स्थूल रूप है परमात्मा का ही स्थूल रूप है इसलिए सब सुंदर है यह शरीर है ये आत्मा का ही स्थूल रूप है इसलिए सुंदर है और आत्मा सुंदर होगी तो शरीर अपने आप सुंदर होगा और आत्मा में यदि दुर्गुण होते हैं दुर्विचार दुर्भाव होते हैं तो व्यक्ति अपने आप कुरूप लगने लगता है कोई क्रोध से अंदर भर है तो उसके चेहरे पर क्रोध के भाव आ जाएंगे उसकी आंख बिगड़ जाएगी उसके होठ बिगड़ जाएंगे उसके गाल बिगड़ जाएंगे क्रोध में तो पूरा शरीर बिगड़ ही जाएगा स्ट्रेस में पूरा शरीर बिगड़ जाता है हार्मोन्स चेंज होते हैं तो व्यक्ति की फेस रीडिंग अलग ही हो जाती है खुशी में कुछ अलग स्ट्रेस में, में कुछ अलग ईर्षा में कुछ अलग जेलसी में कुछ अलग एंगर में कुछ अलग हर इमोशंस हमारे शरीर पर डिपिक्ट होते हैं लेकिन जो आत्मा आनंद में है शांति में है ध्यान में है योगी है वो प्रकृति में है और वो सुंदर ही सुंदर होगा इसलिए कभी किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है मेरी नाक कैसे दिख रही है क्योंकि ये तो सबकी अलग अलग होनी निश्चित है हम ये नहीं कह सकते कि जैसे उस हीरो की है, उस हीरोइन की है उसकी है वैसी मेरी नाक होनी चाहिए ये अप्राकृतिक चीज है कि दो हम एक करना चाहें उसके जैसा दो फूल एक जैसे नहीं है हर दिन सब नया है सब नया है। आ, कल का सूरज कुछ और था आज का सूर्य कुछ और है आज का प्रकाश कुछ और है आज का आनंद कुछ और है। आनंद हर समय नया है समुद्र की हर लहर सुंदर है यह नहीं कि कोई लहर ज्यादा बड़ी है तो वो कोई छोटी है तो ये कम सुंदर है हर लहर सुंदर है हर फूल की पंखुड़ी सुंदर है एक भी पंखुड़ी अलग कर दें फूल को सुंदर बनाने के लिए तो उसकी नेचुरल सुंदरता खो जाएगी जैसे कि कोई पेड़ को काट दे सुंदर बनाने के लिए असली शांति असली सुंदरता तो जंगल में ही मिलती है वही मंगल महसूस होता है वही शांति आनंद महसूस हो नहीं तो गार्डन तो कोई अपने घर में भी बना ले अपने घर के छत पे बना ले अपने घर सबके घर में लॉन होता है व्यक्ति क्यों जाए फिर बाहर घूमने कोई रेगिस्तान में जाता है कोई समुद्रों में जाता है कोई जंगलों में जाता है कोई पहाड़ों में जाता है कोई बर्फ में जाता है कि मैं प्रकृति के बीच आ जाऊं और ये शरीर भी प्रकृति का ही बना हुआ है हम प्रकृति के बीच में हैं लेकिन जब हम कुछ और होना चाहते हैं सामान खरीद करके लीपा पोती करके तो हम कुछ और हो जाते हैं फिर हमें प्रकृति के बीच जाना पड़ता है क्योंकि हम हैं ही ऑलरेडी प्रकृति के बीच लेकिन हम विकृति हो जाते हैं विकृति के बीच हो जाते हैं सो तो नेचुरल होना कहते भी ना बी नेचुरल अपने आपे में रहो यही तो योग है दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम अपने स्वरूप में अवस्थित रहना ही योग है कि मैं ये हूं मुझको चिंता नहीं कि कौन क्या सोच रहा है कौन क्या कह रहा है मुझे मैं अपने संयम में अपने नियम में अपने सिद्धांत में अपनी गुरु की आज्ञा में अपनी दिनचर्या में यह मैं हूं और इसी में आनंद है इसी में प्रसन्नता है नहीं तो दूसरों को प्रसन्न करते करते व्यक्ति को रूप हो जाए यदि कोई कहे कि मेरी जो है कमर पतली होनी चाहिए क्योंकि उसी का ट्रेंड चल रहा है जिसकी जितनी कमर पतली होगी उतना ही सुंदर और मान लीजिए ट्रेंड बदलेगा बदल, बदलना तो है ही है ट्रेंड को ट्रेंड बदलेगा अब आजकल क्या हो रहा है कि जित, जितनी ज्यादा भी पतली हो गई फिर उसे मोटा करो फिर मोटे होने में इत, इतने इंच की होनी चाहिए इसी तरह पूरा शेप फिगर ये तो ट्रेंड है ट्रेंड तो बदलता रहेगा कभी किसी चीज को सुंदर माना जाता था बीस साल पहले चालीस साल पहले किसी और चीज को सुंदर मा, आज किसी और चीज को सुंदर माना जाता है सुंदर मान्यता नहीं है सुंदरता तो स्थिरता है है स्थिरता कि जो प्रसन्न आदमी है वो सबको सुंदर लगेगा और जो दुखी आदमी है वो कितना भी कैसा भी दिखता हो कितना भी अच्छा बुरा तो कुछ होता नहीं लेकिन फिर भी यदि उसको अच्छा मान लिया जाता है कि वो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अगर वो दुखी है वो रोता है निराश है तो उससे कोई बात भी नहीं करना चाहेगा कोई बात नहीं करना चाहेगा असफल व्यक्ति से दुखी व्यक्ति से कोई बात नहीं करना चाहता है फोन पे भी नहीं बात करे अरे क्या बात करें ये तो दुख सुनाएगा अपना आधे घंटे और कोई सफल है कोई प्रसन्न है उसका उससे बात करना चाहते हैं प्रसन्नता कुछ हमें भी मिलेगी इसका उत्साह कुछ हमें भी मिलेगा कोई दुख नहीं चाहता हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए चिंता नहीं करनी चाहिए चिंता सारी मिट जाती है जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न है उसका शरीर भी प्रसन्न हो जाएगा उसके अच्छे हार्मोन सेक्रेट हो गए जो संतुष्ट है अपने जीवन से स्वयं से वो सबका प्यारा हो जाएगा वो सबका पूज्य हो जाएगा वो सबका पूज्य हो जाएगा और जो अंदर से ही खराब है जिसका सॉफ्टवेयर ही खराब है वो अपने से ही संतुष्ट नहीं है अपने से ही सुखी नहीं है तो फिर वो किसी का प्यारा नहीं हो पाएगा भले ही कितना भी कोशिश करे कुछ भी बनने का कोशिश करे वो किसी का विषय तो बन सकता है वो किसी की भोग की वस्तु तो बन सकता है लेकिन प्यारा नहीं बन सकता भोग की वस्तु बनना अलग बात है वो तो भोग ली जाएगी और भोग ली जाएगी तो उसका उ, उसका तो पेट भर गया जिसने भोग लिया व्यक्ति बदसूरत हो जाता है जब वो भोग लिया जाता है हम किसी को भोगते हैं तो हम उसको कम कर देते हैं हम उसको खत्म कर देते हैं और हम तृप्त हो जाते हैं बस हमारा प्रेम खत्म हमारा मोह खत्म उतने तक का ही था तो प्रेम कोई शरीर की भोग नहीं वासना नहीं कि हम केवल फिजिकल ढांचे को देख करके चयन करें अपने मित्रों का अपने पार्टनर का अपने प्रेम का अपने मोह का तो वो हमारे को प्रेम को खत्म कर देगा एक दिन और जहाँ प्रेम खत्म वहां संबंध खत्म वहां आनंद खत्म वहां जीवन का संगीत खत्म वहां सब खत्म तो ये प्रकृति हमें बताती है ये पेड़ हमें बताते हैं कि विविधता में सादगी में ही सुंदरता है ये नदी हमें बताती है ये पवन हमें बताती है ये बादल हमें अलग अलग प्रकार के हैं ये विविध प्रकार के व्यक्ति हमें बताते हैं कि भगवान ने इस प्रकृति में सब कुछ सुंदर ही बनाया है भगवान इतना अच्छा कारीगर है कि भगवान जो बनाता है वो सुंदर ही बनाता है ये नहीं कि भगवान कुछ बदसूरत भी बना सकता है क्या फिर वो भगवान ही नहीं जो कुछ गलत बना दे जो डिफेक्टिव बना दे क्योंकि वो सर्वज्ञ है सर्वान्तरयामी है सबका कल्याणकारी है दुखों का विनाशक है वो सब को सुंदर ही बनाता है और उसकी नजर में हम सब सुंदर हैं हम सब मुक्ति के योग्य हैं हम सब आनंद के योग्य हैं हम सब क्योंकि वो सुंदर उसकी नजर सुंदर उसका सब बनाया हुआ उसके लिए सुंदर अब व्यक्ति के अलग अलग पैमाने हो जाते हैं कि जो मेरा है वही सुंदर या जिसमें मेरा मोह है वही सुंदर राग द्वेष में व्यक्ति बांट देता है सुंदर और फिर सुंदर बदसूरत हो जाता है कोई चीज ये सब तो हमारे मन में सेग्रीगेशन होते हैं लाइनिंग होती है डिफ्रेंशिएट हम कर देते हैं अपने मन में और ये सुंदरता आती है समता में जब हमारे भीतर कोई लाइनिंग नहीं होती कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कोई मेरा और तेरा नहीं होता कोई राग द्वेष की भावना नहीं होती कोई अपने पराय की भावना नहीं होती जब हम सब सम हो जाते हैं कि सभी ईश्वर की संतान है सभी मुक्ति के योग्य हैं, सभी मेरी तरह हैं, मैं सबकी तरह हूं तब कोई भी हमको बदसूरत नहीं लगेगा यदि सब अपने हो गए तो और यदि अपना पराया है तो पराया कैसे सुंदर लगेगा फिर तो मेरा सुंदर है क्योंकि ये मेरा है मेरे और पराये की जो लाइन होती है उसे तोड़ना पड़ता है और जब तक दूसरा सुंदर नहीं लगेगा तो हम दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं हम दूसरे की मदद दूसरे की सहायता दूसरे के प्रति सद्भाव तभी रख सकते हैं जब दूसरा कोई हो ही ना जब सभी अपने हो और सभी हमारी नजर सुंदर हो सबके प्रति ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर एक मुझको मेरे लिए सब सुंदर है जैसे कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुंदरता बदसूरत क्या है कुछ नहीं है सभी सुंदर है ये थोड़ी मैं केवल गोरे गोरे लोगों को ही एंट्री दूंगा या जो केवल ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि योग पीठ में केवल ऐसे लोगों की एंट्री होगी या इसी जाति की होगी या इसी जाति के लोग इसी कुल के लोग इसी पंथ के लोग ही सुंदर होते हैं ऐसा चलता है ना कि हम मेरा रिलिजन यही लोग सुंदर है बाकी सब नरक जाएंगे मेरा मजहब यही लोग सुंदर है बाकी सब नरक जाएंगे ऋषियों ने तो कहा वसुधैव कुटुंबकम ये पूरी वसुधा ही कुटुंब ये पूरी वसुधा मेरी है पूरी धरती मेरी है ये धरती वासी मेरे भाई हैं श्रुणवंतु सर्वे अमृतस्य से पुत्र सभी अमृत के पुत्र हैं कोई भी पुत्र नहीं है कोई भी असुर नहीं है सभी अमृत के पुत्र हैं, सभी मेरे हैं सर्वभूत ही तेरा था मेरे को सबके कल्याण में लगना है कण कण में भगवान की भावना रखने वाला यह देश है जगह जगह ईश्वर का दर्शन करने वाली यह संस्कृति है ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वकल्याणकारी, सर्व, सर्व कल्याणकारी कोई भेद नहीं ईश्वर सब का है सब के लिए है हर जगह है तो अभी भी है सबके लिए तो मेरा भी है हर जगह है तो यहां भी है और जहां वो है वो सारी चीज वही है और वो तो सुंदर है बदसूरत की बात कहां से आई इसलिए कभी भी हमको कम से कम इस शरीर के नए नक्श देख करके डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए कभी भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में छोटा अनुभव नहीं करना चाहिए नहीं तो व्यक्ति का जीवन कई बार तो इसी कुंठा में उठ नहीं पाता सफल नहीं हो पाता अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्यों मेरे तो बाल कम है जी मैं कैसे कॉन्फिडेंस में रह सकता हूं या मेरा मेरे को तो चश्मा लगा है या मेरे को तो ठीक से दिखता नहीं है कम दिखता है या मेरी एक आंख टेढ़ी है मेरे दांत खराब है मेरे दांत नहीं दिखते मेरे दांत पीले हैं मेरे को बहुत पिंपल्स हैं चेहरे पर मेरे कहीं भी कुछ भी मेरे को तो ये रोग है व्यक्ति खुश नहीं हो पाता आनंद नहीं क्यों नहीं हो पाता क्योंकि उसे शर्म आती है अपने आप से क्योंकि वो अपने आप को अच्छा अनुभव नहीं कर पाता कि दूसरे क्या सोचेंगे अकेला रहना चाहता है छुप के रहना चाहता है बचाना चाहता है लीपा पोती करके कुछ भी करके अच्छा कपड़ा पहन करके अच्छे बड़े घर में रह करके अपने आप को ढकना चाहता है कि मान लो किसी तरह लेकिन दूसरे तो मानेंगे तुम कैसे मानोगे अपने को मानना बहुत जरूरी है व्यक्ति कई बार इसी वजह से स्टेज पर नहीं जा पाते कई मिलते हैं कि हम कैसे हम योग सिखाएं हमारे तो बाल गम है अरे बाल गम है तुम योग तो सिखा सकते हो किसी की मदद तो कर सकते हो विग पहन लेते हैं चलो वो बात अलग है यदि मूवी में कोई विग पहन ले तो लेकिन हमको यह समझना चाहिए जो है भगवान का दिया उसमें संतुष्ट है सभी के पास कुछ ना कुछ कमी तो रहती कमी कुछ नहीं है मान लेना है कि ये कमी हमारे पास भगवान ने तो सबको जैसा होना चाहिए था वैसा ही बनाया हंड्रेड परसेंट सब एक्यूरेट है जैसा जिसे होना चाहिए अब जो महापुरुष लोग हैं वो कभी इस बारे में चिंता नहीं करते हमारे गुरुजन इस बारे में कभी चिंता नहीं करते नहीं वो तो हमसे ज्यादा कुछ भी चिंता कर सकते हैं लेकिन हम चिंता करते हैं जिसमें ज्ञान की कमी है जिसमें अभी बचपना है मूढ़ता है अज्ञानता है अविद्या है ये सब उनके लक्षण है कि मैं सुंदर नहीं हूं वो सुंदर है मुझको वैसा होना है या कम से कम वैसा दिखना है चाहे मैं पद की आड़ में देखूं या रुपये की आड़ में देखूं या बॉडी की आड़ में देखूं या किसी भी आड़ में देखू किसी की आड़ नहीं आत्मा की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता है जो कभी खो नहीं सकती हमारी आनंद हमारा आंतरिक शांति हमारी प्रसन्नता हमारा सद्भाव, जो हमारे ही हाथ में है हमारी, 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 में, हमारी समता बुद्धि की समता ये बुद्धि सबके प्रति सम है मैं तो अपना काम करूंगा मेरे लिए सब सुंदर है अब मैं किसी को सुंदर देखूं या नहीं वो तो उनकी आंख की समस्या है उनकी समस्या है मेरी कोई समस्या नहीं मैं समाधान में हूं जिसका समाधान हो गया वो प्रसन्न है जो प्रसन्न है वो सबको प्रसन्न कर देगा उसके पास सब खींचे चले आएंगे उस फूल के पास जो महकता है जो चहकती है जो कोयल उसको सब सुनने को लालायित होते हैं या नहीं वो काली है तो क्या हुआ वो जो भी सुरीला होता है मधुर होता है सुगंधित होता है पुष्टिवर्धक होता है ज्ञानवर्धक होता है उसके पास सब खींचे चले आते हैं क्योंकि सबको उसकी ज़रूरत है सबको प्रसन्नता की ज़रूरत है शांति की जरूरत है उत्साह की ज़रूरत है और ये यदि आत्मा में है तो इसे कोई छीन नहीं सकता ये देने से और बढ़ती है आत्मा तो इसका अनंत खजाना है भंडार है कितना भी लुटाओ और यही हमारी सुंदरता है बाहरी सारी सुंदरता तो ढलने वाली है हम कितना भी करें तो उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस में पूरा अपना आंतरिक आनंद आंतरिक सौंदर्य को जगाते रहना चाहिए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ नमस्ते